ग्वालियर मेले के कार्यक्रम में सीएम शिवराज के साथ पहुंचे सांसद ज्योतिराय सिंधिया ने मंच से ही अपने समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत की बात को सुधार दिया और बता दिया कि वो जो कह रहे हैं बात वैसी है नहीं। किस बात को सिंधिया ने सुधारा वो भी आपको दिखाएंगे। पहले ये देखिए कि मंत्री गोविंद राजपूत ने क्या कहा था। हमारे सांसद आदरणीय ज्योतिराय सिंधिया जी को लिखा है, आपके लिए मुख्यमंत्री जी के नाम उसके एक कॉपी हमें भी दिए, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और नोटिस चलाई। चूंकि इसमें खर्चा बहुत आ रहा है, मेले में डिस्काउंट देने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आप सबके और मध्य प्रदेश के विश्वास को नहीं तोड़ेंगे। सुना आपने, गोविंद राजपूत ने कहा था कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन में छूट मिलना चाहिए लेकिन खर्चा ज्यादा आता है। इस पर ज्योतिराय सिंधिया ने गोविंद राजपूत का नाम लेते हुए क्या कहा आपको सुनवाते हैं। सिंधिया जब गोविंद राजपूत का नाम लेकर बात सुधार रहे थे उस दौरान लोगों ने वहां वाहवाही भी कर दी। रजिस्ट्रेशन में दी जाती है गाड़ियों के लिए, वो इस साल भी दिया जाए, और जो हमारे प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत जी ने कहा कि बहुत खर्चा होता है, खर्चा भी होता है लेकिन आय बढ़ती है। जहाँ अगर छूट न होती तो केवल 100 करोड़ का व्यापार होता था, छूट होने के बाद 800 करोड़ का व्यापार हुआ है हमारे मेले में, और उससे राजस्व संग्रह में भी अधिक एक पूर्ति आई है। इस साल भी फरवरी के माह में जब आयोजित होगा मुझे पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे आए ग्वालियर में, इसकी घोषणा की विधिवत शुरुआत भी होगी, और निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतः ही वे इस छूट की भी घोषणा। आपको बता दें कि ग्वालियर मेले में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में छूट को लेकर सिंधिया ने मांग रखी थी जिसे सीएम शिवराज ने पूरा भी कर दिया, लेकिन अपने समर्थक परिवहन मंत्री के खर्चे वाली बात पर जवाब भी दे दिया और हिसाब भी दे दिया कि खर्चे से ज्यादा मुनाफा इस मेले से होता है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।